माई सेल्फ मैकी जसवाल, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे को जस्टिस चाहिए। जो मेरी स्टडीज़ का इतना लॉस हुआ है, जो मेरे को मेंटली हैरेस किया गया है, जो जितनी मेरी फ़ीस वहाँ पे डिपॉजिट हुई है स्टडीज़ के नाम पे, और जिसका रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो निकला है, बस मुझे उस चीज़ के लिए अपना जस्टिस चाहिए। किस चीज़ के लिए, कहाँ पे हुआ? कि ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, 2018 वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और जीएनएम, वहाँ पे नॉन अटेंडिंग क्लासेज रन हो रही हैं, वहाँ पे क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं होती हैं जो हमारी सिविल लुधियाना में होनी चाहिए, सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। मुझे पता लगा कि 2016 के बाद से लेके अब तक वहाँ पे कोई ड्यूटीज़ हुई नहीं है बच्चों की। मेरे साथ और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पे इतना हैरेस करा जा रहा है। जो हरपाल सिंह जी हैं और परवीन कौर हैं और साथ में स्टाफ लवप्रीत कौर है, उन्होंने मुझे इतना मेंटली हैरेस किया, साथ में और बच्चे हैं, उनको स्टडीज़ के बेसिस पे हम बोलते रहे कि हमारे को स्टडीज़ क्लासेस चाहिए, वो बोलते थे आजकल आजकल, फिर उनका ये जवाब था कि तुम मेडिकल स्टूडेंट्स हो, तुम खुद भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लो, ठीक है। बट उन्होंने, उनके पास जाके मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, स्टडीज़ कैसी हैं, वो बोलते थे कोई नहीं हम इस पर बात करेंगे, कोई नहीं हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, पर इम्प्रूवमेंट के नाम पे ज़ीरो रिजल्ट, कुछ भी नहीं था। और इस मामले को लेके आपको आगे कार्रवाई या कोर्ट में जाना पड़ा, आप जाओगे? हाँ जी, मैं ज़रूर जाऊँगी, बिकॉज मेरा करियर का पूरा एक लॉस ही है एक तरीके से। 2018 से लेके अब तक मेरा कितने ईयर्स वेस्ट हो गए हैं। अगर इस टाइम अगर मेरी स्टडीज़ अच्छी चली होती तो मेरे हाथ में एक डिग्री होती, विदाउट डिग्री तो मेडिकल स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। विजेंद्र कुमार भाटिया, एक स्टूडेंट ने आरोप लाए हैं कि उन्हें जदों का होने तक एडमिशन लिया है, ना उतने बच्चे ने पूरे, ना उतने कॉलेज दो कट्ठे या हॉस्टल, कई आरोप लाने की गलत है। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੋ ਟੈਂਡਰਸ, ਆਰੋਪ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋ ਟੈਂਡਰਸ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਟਾਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ, ਹੋਸਟਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆ ਕਲੈਰੀਕਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰੇ। ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ,
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤਾਂ।